तो ये जो टॉकिंग कैक्टस है और इसका मैं स्विच ऑन करता हूँ तो ऑन नहीं होता है, तो मतलब और इसको मैं चार्ज में लगा करके ऑन करता हूँ तो ऑन होता है। इसका मतलब है कि इसका जो बैटरी है वो पूरी तरह से ख़राब हो गया है, काम नहीं कर पा रहा है, तो इसका बैटरी को हम चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले खोल लेते हैं। तो दोस्तों आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, आप जब भी इसका बैटरी ख़रीदे तो 300 mAh का ख़रीदे। अगर आप 1000 mAh का बैटरी यूज करते हैं इसमें तो इसका जो सर्किट है शॉर्ट हो सकता है, तो आप ध्यान दें 300 mAh का ही बैटरी ख़रीदे। तो इसका बैटरी आप किसी भी मोबाइल एसेसरी शॉप से ख़रीद सकते हैं या तो ऑनलाइन से भी ख़रीद सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन से ख़रीदना चाहते हैं तो हमने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे करके रखा है, आप वहां से जा करके ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो बैटरी आप खुद से चेंज कर सकते हैं, ठीक इसी तरह से खोल ले, और खोल लेने के बाद आप यहां पे देखिए इसका बैटरी जो है पूरी तरह से फूल गया है, मतलब काम नहीं करता है। तो आपको इसे बदलना बड़ी ही आसान है, और इसमें आपका दो वायर रहता है, एक ब्लैक और एक रेड। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोस को लेके आते रहता हूँ। तो दोस्तों अब देखिए ये जो ख़राब हो चुका है, तो इसका जो बैटरी का वायर है हम यहाँ से कट कर लेंगे, और जो ब्लैक वायर है उसे हम ब्लैक में जोड़ देंगे, और जो रेड वायर है उसे हम रेड वायर के साथ जोड़ देंगे। तो आप भी इसी तरह से ईजिली ये काम कर सकते हैं, ब्लैक वायर को ब्लैक में जोड़े और रेड वायर को रेड में जोड़े। तो आप ये काम बड़ी ही आसानी से खुद से ठीक कर सकते हैं अपने टॉकिंग कैक्टस को। तो इसमें का जो वायर है और ऊपर का जो प्लास्टिक है, हम उसे थोड़ी सी जो प्लास्टिक है हटा लेंगे, और प्लास्टिक को हटाने के बाद ब्लेड से थोड़ा कट करके साफ कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से कनेक्शन हो जाए। तो आप भी इसी तरह से कर ले, और उसका बाद ये जो बैटरी का वायर है रेड का रेड में जोड़े और ब्लैक को ब्लैक में जोड़े, तो आपका टॉकिंग कैक्टस हो जाएगा, काम करने लगेगा। तो दोस्तों इस तरह का बैटरी अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जाके ख़रीद सकते हैं, या तो किसी भी मोबाइल एसेसरीज की शॉप से आप ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखिए हो गया।